प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभात बंद है। मत्ती रजि सुसमाचार उसका 6वीं अध्याय उसका 34 कलम, कल के लिए चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल का दिन को समृद्धि की ओर बनाने के लिए आज का दिन को क्लेशपूर्ण बनाने वाला भी और आज का मौज मस्ती के लिए कल का दिनों को क्लेशों में बनाने वाला व्यक्ति भी है। अनुकूल परिस्थितियों के बीच में भी समस्या का परिस्थितियों को देखने वाला और कोई भी समस्याओं के बीच में भी जय को देखने वाला व्यक्ति भी है। शरीर को कोई आराम और मन को कोई शांति ना देखते हुए संपत्ति बढ़ाने के लिए भागदौड़ करने वाला व्यक्ति अंतिम में शरीर का तंदुरुस्ती नष्ट होकर शरीर का बीमारियों को दूर करने के लिए वो संपत्ति खर्चा कर देता है। ये कोई तकदीर का विपरीत परिस्थिति नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने आप को बुला कर रखने वाला विपत्ति है। कल के बारे में सोचते हुए आज के दिनों को कुछ बातों को अनुभव न करता है, वो परमेश्वर पर आश्रय न रखता है और परमेश्वर को अविश्वास करता है उसके समान है। अच्छा सुंदर घर को बनाकर उसके बाद उसमें रहने के लिए अवसर नहीं मिलता है, ऐसे लोग बहुत है। व्यक्तियों में से और बैंक में से लिया हुआ लोन को वापस देने के लिए उस दौड़ के बीच में नींद ना होने के कारण आगे कई सपना भी नहीं देखता है। बीमारियां और खर्च का निमित्त थके हुए मन के साथ और निर्बल शरीर के साथ ये कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता है, ऐसे परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति है क्या आप? निराशा कोई बातों का समाधान नहीं है। समस्याओं के बारे में ना सोचते हुए समस्याओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा। प्रेमी दयालु खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी, हमको परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आगे की ओर बढ़ने के लिए मार्ग दिखाकर हमारे हाथों को पकड़कर आगे चलने के लिए कृपा करे। प्रभु यीशु मसीह के परिणाम से आमेन।